सो हेलो गाइज, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन एडिटिंग बताने वाला हूँ फाइटिंग सीन का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी अभी जो शुरुआत में फाइटिंग सीन का देखे हैं, वॉलीबॉल वाला, जैसे जो पैर से मारा जाता है और डायरेक्ट जा करके लगता है, तो ऐसा सीन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने जो अभी अभी एडिट किया, थोड़ा एक्टर लोग थोड़ा गड़बड़ी कर दिए हैं। आप लोगों को मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ उस हिसाब से आप लोग शूटिंग कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो जब भी लेकर के आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो गाइस, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आप ही लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का इतना फर्ज तो जरूरी बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग कुछ इस प्रकार का वीडियो शूट कर लेना है। मैं एक बार प्ले करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए यह वीडियो। वीडियो ध्यान से देखिए और सेम ऐसे ही आप लोग शूटिंग कर लीजिएगा दो तीन भाग में। देख सकते हैं सेम ऐसा ही आप लोग शूटिंग कीजिएगा और वहां से उसको दौड़ा दीजिएगा। बस बस कह दो, सेम ऐसा ही देख लीजिए। चलो कहो फेंक, ये ठीक बा। हाँ, एकदम सही हुआ ऐसा। देख लीजिए, एकदम सेम ऐसा ही आप लोगों को शूटिंग करना है। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, सेम ऐसे ही आप लोगों को शूटिंग करना है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा बिल्कुल ही नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को इसको देखना है और ऐसे आप लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है यहाँ तक। अब ये लड़का देख क्या है, और यहाँ से सिंपली यहाँ पे क्लिक करके और कैंची के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके और राइट साइड वाला हटा देना है आप लोगों को। हट गया, अब फिर से आ गया ये आप लोग। अब ये जहाँ से दौड़ रहा है वहाँ से पीछे, उसके पीछे का कट करके हटा दीजिए। इसे पे क्लिक करिए, कैंची के ऑप्शन पे आ जाइए और लेफ्ट साइड वाला हटा दीजिए। फिर से थोड़ा सा आगे आइए, अब सिंपली आप लोग को यहाँ पे कट कर देना है, यहाँ पे थोड़ा सा और आगे कैंची के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे स्लिप पे क्लिक करके यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्लिक करके कट कर देना है। और इसका स्पीड आप लोगों को कम कर देना है, तो स्पीड पे आ जाइए और यहाँ पे स्पीड इसका कम कर दीजिए। फिर से सही के आइकन पे क्लिक कीजिए और आगे आइए आप लोग, और यहाँ पे क्लिक करिए फिर से और कैंची के ऑप्शन पर आ जाइए और फिर से राइट साइड वाला हटा दीजिए। अब फिर से आप आगे आइए, तो गाइज ये वाला कुछ ख़राब हो गया, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। फिर से एक बार ये वाला मैंने सीन लिया था, तो आइए एक बार देखिए, ये जहाँ से मांग रहा है देखिए, इसके इधर का आप लोग कट करके हटा दीजिए। कैंची के ऑप्शन पे आ जाइए और ये लेफ्ट साइड वाला हटा दीजिए। फिर से आप लोग थोड़ा सा आगे आइए, अब यहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर से बीच में से कट कर दीजिए। कैंची के ऑप्शन पे आइए, इस पर क्लिक कर दीजिए, बीच से कट गया। अब सिंपली आप लोगों को इसी पे क्लिक करना है। अब सिंपली आप लोगों को करना यह है, अब यहाँ से देख लीजिए, ये मारा है, और फिर से और आप लोगों को आगे आ जाना है, और ये जहाँ से लड़का बॉल फेंका है सिंपली और थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। फिर इसी लेयर पर क्लिक कीजिए और फिर से कैंची के ऑप्शन पर आ जाइए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और फर्स्ट वाले पर क्लिक करके लेफ्ट साइड वाला हटा दीजिए। और यहाँ पर देखिए, जैसे ही बाल यहाँ से निकल चुका है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जैसे निकला है, अब फिर से इसी लेयर पे क्लिक कीजिए और फिर से राइट साइड वाला हटा दीजिए। अब ये हट गया है, अब आप लोग आगे आइए, और ये वाला जो आपका है ना, इसको आप लोग इधर कर लीजिए, इसी पे क्लिक किए रहिए, ये जो मारा है इधर, और ये जो लड़का वाला है ये बीच में आ जाएगा जो कटा था। अब फिर से आप लोग आगे आइए, और ये वाला देख ही सकते हैं, और इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस अब सिंपली आ जाना है शुरू में, और ये जो फर्स्ट वाला है इस पर क्लिक कर दीजिए, फिर स्पीड पे आ जाइए। स्पीड पे आने के बाद स्पीड को कम कर दीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए, जितना स्पीड हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा। फिर से सही के आइकन पे क्लिक कीजिए, फिर से एक बार प्ले कीजिए। सो गाइस, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा स्पीड हो चुका है, बस इसको इतना ही स्पीड पर रखना है। और ये जो आ रहा है यहाँ से, इसका स्पीड तो स्लो किए ही हैं हम लोग, और एक बार देख लीजिए। चलो करो, और ये लड़का जो फेंक रहा है इसका, रुक जाइए थोड़ा सा जूम कर लेने दीजिए,
ये यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, फिर से लेफ्ट साइड वाला हटा दीजिए। अब फिर से एक बार प्ले करके देख लीजिए, टाइमिंग मिलाना पड़ता है इसमें। ये ठीक बा हाँ। सो गाइस एक बार फिर से देख लीजिए, और ये जहाँ से मारा है देख लीजिए, ये थोड़ा मारने में गड़बड़ी कर दिया है, इसके पैर पे आया ही नहीं है, ये देख सकते हैं। बस इतना पे, अब फिर से इसी लेयर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आइए कैंची का ऑप्शन, फिर से राइट साइड वाला हटा दीजिए, फिर से एक बार प्ले कीजिए। ये ठीक बा, और ये जो फेंका गया है बाल, इसको आप लोगों को इसको रिवर्स में कर देना है, तो इस पर क्लिक कीजिए और फिर से नीचे आइए आप लोग, यहाँ पे रिवर्स दिया होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, और ये वीडियो अब उल्टा हो जाएगा क्योंकि उल्टा साइड से फेंकवा दिया गया था। तो फिर से एक बार देख लीजिए, अब ये ठीक, और ये बॉल जहाँ से आ रहा है यहाँ से, इस पर क्लिक कीजिए और कैंची के ऑप्शन पे आ जाइए और लेफ्ट साइड वाला हटा दीजिए। अब सिंपली इसका स्पीड आप लोगों को कम कर देना है, स्पीड पे आ जाइए। बस अब एक बार फिर से प्ले कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए और कैंची के ऑप्शन पे आ जाइए और राइट साइड वाला हटा दीजिए, फिर से एक बार प्ले कीजिए। इस पर क्लिक कीजिए जहाँ से गेंद आ रहा है, अब फिर से कैंची के इस पर क्लिक करके कैंची के ऑप्शन पे आके फिर से लेफ्ट साइड वाला हटा दीजिए, और इसका स्पीड आप लोग बढ़ा दीजिए, स्पीड पे आ जाइए, इतना कर दीजिए। फिर से एक बार प्ले कीजिए यहाँ से, एकदम सही हुआ है, देख सकते हैं काफ़ी तेज़ गिरा हुआ है, ये हंस दिया है तो हंसना नहीं है बिल्कुल ही। कैंची के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और ये फालतू एरिया इधर का राइट साइड का हटा दीजिए, फिर से एक बार प्ले कीजिए। चलो ये जहाँ से फेंका है यहाँ से, हाँ इस पर क्लिक कीजिए और ये इस कैंची के ऑप्शन पे आ जाइए, लेफ्ट साइड वाला हटा दीजिए, फिर से इसका भी स्पीड आप लोग बढ़ा दीजिए। सही के आइकन पे क्लिक कीजिए, अब एक बार शुरू से देखिए आप लोगों का वीडियो तैयार हो चुका है। चलो कहो, तो गाइस देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन बन चुका है, बस केवल आप लोग अच्छे से अगर शूटिंग करेंगे, अच्छा एक्टर होंगे तो बहुत ही बेहतरीन आप लोग बना सकते हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो जब भी लेकर के आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।